हेलो गाइस, मेरा नाम है सिंचन नोहर है और मेरी उम्र 5 साल है और मुझे शिमला मिर्च खाना बहुत पसंद है। अरे गाइस, अभी चौप और मैं यहाँ पे बैठ के और मस्त यार मजे कर रहे हैं। धूप आ रही है मस्त सी। अभी हम सोच रहे हैं यार ननई को दीदी के घर पे जाएं और चौप यार जूली के घर पे जाएगा जो की उसकी कुत्ती है। आओ, वो मेरे कुत्ते नहीं है, वो नना को दीदी के कुत्ते है। अरे वही तो मैंने बोला यार, सेम सेम बात है। चलो यार फटाफट से चलते हैं। आओ सिंचन, ऊपर देखो क्या रहा है। अरे ये पत्थर कैसे आ रहे हैं? अरे ये क्या है? अरे ये तो हमारे स्विमिंग पूल में गिर गए। अरे चौप, ये धुएं कैसे निकल रहे हैं इसमें से? आओ सिंचन, मुझे तो लग रहा है बहुत ही खतरनाक है। चलो फ्रैंकलिन को बुलाते हैं। अरे फेंकी बे को क्या बुलाना है, वो तो सो रहे आराम से। रुको मैं देखता हूँ, डर मत तू। आओ ऐसा आगे मत जाना, लगता है कुछ खतरनाक होगा। अरे मैं नहीं डरता किसी से भी। अरे पत्थर में क्या हो रहा है? अरे इसमें तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया धुएं निकल रहे। एक काम करता हूँ, थोड़ा धुआं नन्हे को दीदी के लिए ले लेता हूँ क्योंकि उनको पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद है। अरे मजा आ जाएगा, चलो फटाफट से इसके अंदर चलते हैं और धुआं कलेक्ट करते हैं। आओ सिंचन, ये क्या कर रहा हूँ, पीछे आ जाओ। अरे चल, तो टेंशन मत ले, थोड़ा धुआं जमा कर रहा हूँ, रुक जा जूली के लिए भी जमा कर लेता हूँ। आओ सिंचन, आओ सिंचन कहाँ चले गए? सिंचन आओ, ये सिंचन कहाँ चला गया, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। सिंचन, अरे ये क्या हुआ, वो पत्थर भी गायब हो गया। अरे ये सिंचन कहाँ चला गया, अरे मैं फ्रैंकलिन को क्या बोलूंगा। अरे ये सिंचन कहाँ चला गया। अरे चल, तुम मुझे उधर ढूंढ रहे हो, मैं तो इधर खड़ा हूँ। आओ कहाँ पे हो? आओ सिंचन, अरे ये कहाँ से आ गए तुम? अरे एक सेकंड, तुम चेंज कैसे हो गए? अरे चल यार, मुझे बहुत ही खतरनाक सी पावर मिल गई उस पत्थर में जाने के बाद। अब मैं बन चुका हूँ डायमंड शिन चैन। अभी देखिए, मैंने उस पर पत्थर को टच किया था, वो डायमंड में बन गया। अब मैं किसी भी चीज को टच करता हूँ तो वो डायमंड की बन जाती है, ऐसी मुझे पावर मिल चुकी है। अरे देखो, मेरे सर में भी डायमंड है और मेरे टी शर्ट में भी डायमंड है। मैं किसी भी चीज को टच करता हूँ तो वो डायमंड की बन जाती है। रुको मैं भी तुमको करके दिखाता हूँ। अरे चल, तुम्हारे घर को टच करूंगा और तुम्हारे खाने को भी टच करूंगा, तभी देखना सबके साथ डायमंड का बन जाएगा। आओ, ये तो सही में डायमंड का बन गया, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे मैंने तो बोला ही था मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका हूँ। अरे रुको, फेंकी बे को बताता हूँ। फेंकी बे, अरे फेंकी बे उठ जाओ, अरे फेंकी बे उठ जाओ ना। अबे क्या है सिंचन, सुन लेना। अरे फेंकी बे उठो ना, ये देखो डायमंड। डायमंड का? डायमंड? अबे ये कौन सी बाल कटवा के लेके आ गया? अबे सिंचन, कितना अजीब सा लग रहा है भाई तू। ये हर जगह डायमंड डायमंड क्यों बनवा दिया? तेरी आईब्रो में भी डायमंड चमक रहे हैं और तेरी टी शर्ट भी कौन सी लेके आ गया, डायमंड वाली? अबे क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहा है क्या? अरे फेकी बे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, ये मेरी नई पावर है। मैं किसी भी चीज को टच करता हूँ तो वो डायमंड की बन जाती है। अच्छा हाँ, हो गया, मैं सोचा जाके। अरे फेकी बे, जाके चौक का घर देख के आओ। अरे क्या है चौक के घर में यार, एक सेकंड, ये क्या पड़ा है? ए चौप, ये डायमंड कैसे बन गया? आओ सिंचन, ने तुमको बताया नहीं क्या, वो किसी भी चीज को टच करता है तो वो डायमंड की बन जाती है, ये तो बहुत खतरनाक है। अरे ये तो सही में बहुत खतरनाक है। अबे सिंचन, तू सच बोल रहा था क्या? अरे फेकी बे, मैं झूठ के बोलूंगा, पागल हो क्या? अरे भाई सिंचन, ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे रुक जा, मेरे को यार अपने आंखों से देखना है, मेरी फटाफट से गाड़ी को चेंज कर देना डायमंड में। अरे फेकी बे, अब तो मान नहीं रहते ना, मैं क्यों करूं? अबे कर देना यार सिंचन। अरे रो मत यार, कर देता हूं। हां जल्दी करना, जल्दी करना। और ओ भाई साहब, अबे मेरी गाड़ी क्या ही चमक रही है। अरे गाइस यार, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक डायमंड की गाड़ी और जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले हम काम करने वाले, थोड़ी नई नई अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदने वाले, क्योंकि ये वाली गाड़ी भले डायमंड की तो यहाँ पर ज्यादा अच्छी नहीं है। और भाई साइमन भाई, क्या हाल है? अरे फ्रैंकलिन, मैं तो बिल्कुल बढ़िया, तू बता। और तेरे पास यार जो भी अच्छी अच्छी कार है ना, सुपर कार, खतरनाक खतरनाक वाली जूती भी कार है ना, सारी की सारी मुझे दे दे। अरे यार फ्रैंकलिन, क्या बताऊं यार। अबे क्या बताएगा? अरे यार, सारी की सारी गाड़ियां बिक चुकी है यार। लॉस सैंटोस का सबसे अमीर आदमी आया था, वो सारी की सारी गाड़ियां मेरी खरीद के ले गया, मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं बची यार। अरे क्या सही में? अबे इसके तो अंदर भी गाड़ी नहीं है। अबे ये क्या पागल वागल है, किसको दे दिया यार? एक गाड़ी तो बची होगी। अरे नहीं यार, मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं है। अरे यार ये क्या हो गया यार, अब मैं क्या करूंगा यार। एक काम कर, जो जिसने गाड़ी खरीदी ना उसके मुझे को एड्रेस दे फटाफट से। अरे एड्रेस का क्या करोगे? अबे तू देर देखो बोला ना, मेरे पास एक डायमंड की गाड़ी और मुझे वो बेचनी है, उसकी जगह मुझे अच्छी सी गाड़ी चाहिए। अरे क्या डायमंड की गाड़ी? अरे एक सेकंड, तेरे पास तेरी गाड़ी तो खड़ी ना? अरे हाँ, मेरी गाड़ी तो तेरी खड़ी है। अच्छा तो मेरी बात सुन, ये देख, ये है डायमंड की गाड़ी, ये मैं तेरे को देता हूँ, तेरी जो नॉर्मल सी कार है ना मैं वो ले जाऊंगा। अरे यार वो मैंने अभी अभी खरीदी थी। पर देख ले, ये डायमंड की है, पूरे पूरे प्योर डायमंड की। अरे यार बात तो तुम्हारी सही है, तो चल यार फटाफट से तू ये रख ले, हमने एक्सचेंज ऑफर कर लिया और गाइस यार मुझे मिल गई ये साइमन की गाड़ी, चल ठीक है ना? अरे यार ठीक है ठीक है। तो गाइस यार फटाफट से साइमन की गाड़ी में हम बैठ जाते और सिंचन को फटाफट से कन्वर्ट कर दे। अरे ठीक है, मैं अभी कर देता हूं। और
गाइस सर एक ही सेकंड में ये गाड़ी हो चुकी डायमंड में कन्वर्ट। अरे ये कैसे किया? अबे जान अपना काम करना। तो गाइस सर अभी यार हमें उस बिलियनर का एड्रेस मिल गया है और हमें नई गाड़ी भी मिल गई है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रही है। पर अभी हम जाने वाले उस बिलियनर के घर पे, मेरे पास एक और अच्छा सा प्लान आ चुका है जिससे मैं उसकी सारी की सारी गाड़ी लेने वाला हूँ। तो गाइस सर अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, फटाफट से यहाँ पे चलते हैं अंदर और ये रहा वो बिलियनर। हेलो सर मैं आ गया। ओह वाओ, मुझे साइमन ने बताया था तुम्हारे पास डायमंड की गाड़ी है। हाँ हाँ वही हूँ मैं, मेरे पास ही डायमंड की गाड़ी है। तो सर आपके लिए मैं ले आया हूँ सिंपल सी बिजनेस डील। ये जो यार ये डायमंड की गाड़ी है ना ये मैं आपको दूंगा और उसके बदले वो जितनी आप साइमन से गाड़ियां लेके आए थे ना वो मुझे चाहिए। ये डायमंड की गाड़ी आपको पता है कितनी ज्यादा महंगी होती है, इतने में वो सारी गाड़ियां दो तीन बार खरीद सकते हो। अरे हाँ बात तो तुम्हारी सही है, डायमंड की गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया होती है और मेरे पास एक भी डायमंड की गाड़ी नहीं है। तुमको कौन कौन सी गाड़ी चाहिए? मुझे देखो ये पहली वाली चाहिए, दूसरी वाली चाहिए, तीसरी, चौथी, पांचवी, एक काम करो छह की छह गाड़ी दे दो। अच्छा फिर इसका करोगे क्या तुम? शिनचैन तू अपना काम करके दिखा दे फटाफट से। अरे टिकी फेंकी मैं भी चालू करता हूँ, बस आप देखो क्या होता है। अरे चलो चलो सबको डायमंड का बना दे दो, इसको टच करते हैं, इसको टच करते हैं, इसको टच करते हैं और इस वाली को भी टच कर देते हैं और ये लास्ट वाली को भी टच कर देते हैं। तो यार ये देखो अभी इस बच्चे ने सारी की सारी यार गाड़ियां डायमंड में कन्वर्ट करती है। तो अभी ये सारी गाड़ियां मेरी और वो एक डायमंड की गाड़ी आपकी। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, गाड़ियां तो मैं तुम्हें सारी दे दूंगा और मैं तुम्हारे घर भी पहुंचा दूंगा अगर एक दिन के लिए वो बच्चा मिल जाता तो। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, फिर आप मेरे घर पे सारी गाड़ियां डिलीवर करवा दोगे ना? अरे हाँ पक्का करवा दूंगा। अच्छा चलो फिर यार आप यार उस बच्चे को रख लो एक दिन के लिए, मैं यार कल लेने आता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ ये वाली गाड़ी लेके, बाकी सारी मेरे घर पे डिलीवर करवा देना। ओके ओके चल बाय बाय शिनचैन। अरे विकी मैं कह जा रही हूँ। तो गाइस अभी मैंने शिनचैन को वहाँ पे दे दिया है एक दिन के लिए और यार ये वाली गाड़ी में लेके जा रहा हूँ। ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बाकी ये गाड़ियां भी मेरे घर पे आराम से आ ही जाएगी। तो चलो यार अब यार मस्त हम घूमने जाने वाले हैं। तो गाइस यार आपको क्या लगा मैं शिनचैन को ऐसे ही दे दूंगा? नहीं 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 ऐसा नहीं होने वाला। अब मैं बताता हूँ आपको मैं करने के वाला हूँ। ये स्नाइपर लेते हैं, बिलियनर को मारते हैं, उसके सारे के सारे पहले बॉडीगार्ड्स को मैं मार देता हूँ। इनके यार मैं पीछे वाले घर से घुस चुका हूँ, मतलब पीछे वाला जो गेट था वहाँ पे मैं घुस चुका हूँ। इसके सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मैं मारने वाला हूँ और शिनचैन को वापस अपने घर लेके जाएंगे और सारी गाड़ियां भी लेके जाएंगे और जो हम डायमंड की गाड़ी दे रहे थे ना वो भी लेके जाएंगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई? एनी विकी मैं मुझे छोड़ के चली गई। अबे तेरे को बचाने भी तो आया मैं। एनी विकी मैं वो अलग बात है पर मुझे छोड़ के क्यों गई थी? अरे अभी चुपचाप बैठ रहा शिनचैन, परेशान मत कर। तो गाइस अभी हम जाने वाले इस बड़ी सी गाड़ी में। ये गाड़ी यार बहुत ही ज्यादा बड़ी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये डायमंड की हो चुकी है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। शिनचैन कैसा लगा मेरा प्लान? अरे देखिए बिल्कुल बेकार प्लान था, मैं तो डर गया था, मुझे लगा मुझे सही में छोड़ के चले गई। अरे पागल है क्या, तुझे कोई छोड़ के जाऊंगा क्या? तो गाइस आपको यार फटाफट से कमेंट करके बताओ आपको ये प्लान कैसा लगा, मैंने शिनचैन को वापस से बचा लिया। अभी हम जाने वाले इस गाड़ी में अपने घर और गाइस हमारे पास इतने सारे मतलब डायमंड आ चुके हैं तो हम उसको बेचेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और पैसे मिलेंगे तो हम उससे बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं जैसे कि नए नए घर और भी बहुत सारी चीजें। आप फटाफट से कमेंट करके बता देना हम क्या क्या ले। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जाना फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।